जितेंद्र, अपने दर्शकों को हम बता दें कि सिसोदिया की 5 दिन की रिमांड मांगी गई है सीबीआई की तरफ से। इस वक्त की बड़ी खबर, अपने दर्शकों को बता दें कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की 5 दिन की रिमांड मांगी है। हमारे सहयोगी जितेंद्र का यह कहना है कि जो एजेंसीज होती हैं ये इस तरह की स्ट्रेटजी पर काम करती हैं, क्योंकि अगर ज्यादा दिन की रिमांड मांगी जाए और कम दिन की रिमांड मिलती है तो इसे एजेंसी के लिए सेटबैक के तौर पर देखा जाता है। तो लिहाजा शुरुआत में 5 दिन की रिमांड मांगी गई है और इस पर फोकस ये किया गया है। जो दलील जो दी जाती है वो ये दी जाती है कि इन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जिन्हें राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है, उनकी 5 दिन की रिमांड सीबीआई ने अदालत से मांगी है। राउस एवेन्यू कोर्ट में एमएम नागपाल की अदालत में उनकी पेशी हुई है। पेशी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, अब से थोड़ी देर पहले की, कुछ मिनट पहले की है। मनीष सिसोदिया उसी पीली शर्ट में है जिसमें कल वो सवेरे निकले थे अपने घर से, राजघाट होते हुए सीबीआई के ऑफिस पहुंचे थे और उनको अब से थोड़ी देर पहले प्रस्तुत किया गया है। इससे पहले बाहर जबरदस्त सियासी हंगामा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त हंगामा किया है। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल की तैनाती की गई और राजू राज हमारे सहयोगी वहां से मौजूद है। राजू, बाहर किसी तरह की हलचल देखने को मिल रही है? 5 दिन की रिमांड की बात सामने आ रही है, मांगी गई है। बिल्कुल, बता दूं कि जो मैक्सिमम रिमांड होता था 14 दिनों का और सुबह से ये जानकारी मिली थी कि 14 दिन का रिमांड मांगेगी, लेकिन सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड मांगी है, उस पर बहस चल रही है। सीबीआई की तरफ से जो दलील दी गई है, चंदन, मैं बता दूं कि मनीष सिसोदिया ने सबसे पहले कैबिनेट नोट चलाया और उसके बाद जिसमें से नई एक्साइज पॉलिसी के लिए पब्लिक रिस्पॉन्स भी लिया गया, उसके बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के जरिए रिटेल और थोक दुकानों के लिए बदलाव करने की बात कही, लेकिन उसी के तहत जो कमीशन की बात थी, जो 5% की कमीशन देने की बात कही थी और उसे 12% किया गया था, तमाम बातों को लेकर अभी कोर्ट में दलील चल रही है और उसी बात को लेकर, जैसा कि मैंने बताया कि 5 से बढ़ाकर 12 करोड़ कर दिया गया कमीशन, अचानक पॉलिसी अगर ठीक हो तो उसे आगे बढ़ाना था लेकिन पॉलिसी को चेंज किया गया। 2 पब्लिक सर्वेंट को हमने एक्यूज बनाया है, यह भी कोर्ट के तरफ से सीबीआई ने अपनी बात को रखी है। इंडो स्प्रिट को मनीष के कहने पर ही फायदा पहुंचाया गया, जो कंपनी इंडो स्प्रिट कंपनी थी मनीष सिसोदिया कहने पे फायदा पहुंचाया गया। इसके बाद जज ने पूछा कि पीसी क्यों चाहिए, सीबीआई ने इसमें कहा कि हमें कन्फ्रंट कराना है और आगे की पूछताछ इसमें आगे करनी है। तो कहीं ना कहीं अब कोर्ट में सीबीआई की तरफ से तमाम दलीलें रखी जा रही है और सीबीआई की तरफ से 5 दिन की रिमांड मांगने की कोशिश की जा रही है। 5 दिन के रिमांड मांगा गया है और इसलिए जो जज है उन्होंने पूछा कि अब रिमांड की क्या जरूरत है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी की तरफ से इस बात को रखा जा रहा था कि चूंकि इस केस की जांच बिना कस्टडी के भी किया जा सकता है और मनीष सिसोदिया जांच में लगातार सहयोग कर रहे हैं, ये दलीलें कोर्ट में रखी गई है। अब देखना होगा कि अभी मनीष सिसोदिया के लीगल टीम की तरफ से क्या दलीलें रखी जाती है और कितने दिनों का रिमांड, चूंकि 5 दिनों का रिमांड मांगा गया है तो रिमांड कितने दिनों का कोर्ट की तरफ से मिलता है, ये कुछ देर में साफ होगा। सुनवाई लगातार कोर्ट में चल रही है। जी बिल्कुल, अपने दर्शकों को बता दें सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड मांगी है मनीष सिसोदिया की, आगे की पूछताछ के लिए रिमांड जरूरी है। सीबीआई ने यह दलील दी है अदालत के सामने, राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 5 दिन की रिमांड सीबीआई ने मांगी है और अब से थोड़ी देर में साफ हो जाएगा कि रिमांड कितने दिन की मिलती है। पहले ऐसी खबर आ रही थी कि 14 दिन की रिमांड मांग सकती है सीबीआई, लेकिन फिलहाल 5 दिन की रिमांड मांगी गई है। आगे की पूछताछ के लिए रिमांड को जरूरी बताया है सीबीआई की ओर से बताया गया है। आबकारी नीति मामले को लेकर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी कल हुई थी, 8 घंटे तक पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन पर आरोप है कि जो ड्रग कार्टेल है, जो शराब का कार्टेल है, उसको फायदा पहुंचाया गया और इस मामले में 100 करोड़ की रकम हवाला के जरिए दी गई थी और नियमों में जो बदलाव किए गए थे वो नियमों में बदलाव गलत तरीके से किए गए थे। आबकारी मंत्री रहते हुए मनीष सिसोदिया पर आरोप है। कैबिनेट नोट जो उन्होंने लिखा था उसमें जो बदलाव किए गए थे उसी के आधार पर इसमें मुख्य आरोपी बनाए गए हैं मनीष सिसोदिया और उन्हें अदालत में पेश किया गया है। 5 दिन की रिमांड मांगी गई है।